तेल मैंने कर लिया है गरम होने के लिए। आटा मेरा ये रहा, कुछ पूड़ियाँ मैं सेक चुकी हूँ ये देखिए, और कुछ मैंने बेल कर रख ली है। आप चलिए तेल होने देते हैं, फिर आगे आपको दिखाती हूँ। ये देखिए गाय, और मैं जो और पूड़ी मेरी रह गई है मेरी में सेक लेती हूँ। ये सीख गई है और इसको उतार देती हूँ। जल्दी जल्दी सेक लेते हैं। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। और छोले भी मेरे बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए गाढ़े गाढ़े मैंने छोले बनाए हैं, क्योंकि पूड़ियों के साथ हमेशा गाढ़े छोले ही अच्छे लगते हैं। मैं जल्दी जल्दी इनको सेक लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। जल्दी जल्दी भाई, मेरे 1000 सब्सक्राइबर कर गए, बहुत लेट मेरे सब्सक्राइबर हो रहे हैं। प्लीज़ आप रेसिपी मेरी ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगती है। मैं बिल्कुल आसान और रोज के खाने वाली ही रेसिपी बनाती हूँ, क्योंकि हमेशा तो मतलब ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाया जाता है, तो मैं इस वजह से हल्का ही गिरती हूँ खाना, जिससे बच्चे आराम से पसंद से खा लेते हैं। चलिए ये भी मेरी बन चुकी है, अब मैं इसको ऐसे निकाल लेती हूँ और भी फ्राई कर लेती हूँ।